नमस्कार द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। कोरोना संक्रमण की वजह से आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती ने निवेशकों का गोल्ड के प्रति रुझान एक बार फिर बढ़ाया है। निवेशक गोल्ड में लगातार निवेशक बढ़ा रहे हैं। गोल्ड फंड और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड आधारित ETF में निवेशकों ने 864 करोड़ रुपए के निवेश किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2020 और 21 में निवेशकों ने गोल्ड फंड से 3200 करोड़ रुपए और गोल्ड ETF में 6900 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में सोना 1.5% तक महंगा हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि इस साल कोरोना संक्रमण की तेज लहर देखते हुए निवेशकों का गोल्ड के प्रति रुझान बढ़े रहने के संकेत है। भले ही फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम हो, लेकिन एक निवेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर निवेशकों के बीच गोल्ड की अपील बनी रहेगी। म्यूचुअल फंड्स मैनेजरों का भी मानना है कि निवेशक गोल्ड फंड और गोल्ड ETF में निवेश को तवज्जो देते दिख रहे हैं। क्योंकि फिजिकल गोल्ड खरीदने में अभी समस्या है, इसलिए इन इंस्टीट्यूट में निवेशकों का निवेश बढ़ रहा है। गोल्ड फंड और गोल्ड ETF में पिछले एक साल में 13 से 14% रिटर्न मिला है। खबरों की जानकारी के लिए आप यूं ही देखते रहिए हमारे चैनल द न्यूज को, और खबरों की हर पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारी वेबसाइट nathulal.com के साथ।